ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, जो कि विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कौन सा दर्जा दिया गया है? यू हैव फोर ऑप्शन, ग्रेड ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर है ग्रेड ए। आप याद रखें, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का राज्य बिजली बोर्ड है उसे कौन सा ग्रेड दिया गया है? उसे ग्रेड ए दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लेकिन इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर है मेजर जनरल डी बी एस राणा जी। क्या है? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। और आपने ये भी याद रखना है, जो एच पी पी एस सी है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? एक जगह है जिसका नाम है निगम बिहार। ठीक है, निगम बिहार कहाँ है? ये छोटा शिमला के समीप स्थित है। विभिन्न तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एच पी पी एस सी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? निगम बिहार, छोटा शिमला में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष कौन है? मेजर जनरल डी बी एस राणा है। ठीक है, इनका संबंध कांगड़ा जिला से है। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों में पंचायत उपचुनाव होने जा रहे हैं? देखिए स्टूडेंट, हर रोज़ आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्ट्रेस दीजिएगा कि इस तरह से हमें तैयारी करनी है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यदि हम लेटेस्ट करंट अफेयर की बात करें। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है, 250, 60, 70, 247। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 247। एक और चीज़ याद रखनी है आपने, जो पंचायत चुनाव होते हैं चाहे उपचुनाव है, इनकी जो नोटिफिकेशन जारी कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। चुनाव की जितनी भी प्रक्रिया होगी वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न की जाएगी। और आपको ज्ञात होगा, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की जो गतिविधियां होती है उसे कौन मॉनिटर करता है? उसे केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। उसकी अधिसूचना भी कौन जारी करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। कुछ स्टूडेंट्स क्विक फैक्ट्स हैं, इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। हिमाचल के दुर्गम जिला सिरमौर के राजीव राजा को मुंबई में फेवरेट यूट्यूब सेंसेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपने याद रखना है, इनका नाम है राजीव राजा। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फेवरेट यूट्यूब सेंसेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि ये दो नाम आपने अच्छे से रट लेने हैं। दोनों नामों को मैंने अंडरलाइन कर दिया। पहला नाम है हमारा यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है लिगम्पा नारायण स्वामी। और हाल ही में हमारे अपॉइंटमेंट की गई है राज्यपाल की, जिनका नाम है बंधारू दत्तात्रेय जी। काफ़ी सुर्खियों में है आजकल। ठीक है, और एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, जो है चीफ सेक्रेटरी एचपी गवर्नमेंट में कौन है? उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी। उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। एसजेबीएन ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 68.58 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। एसजेबीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने शिमला में चेक भेंट किया। एक याद रखें कि जो एसजेबीएन है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? बीसीएस शिमला में है। ठीक है, एसजेबीएन क्या करती है? जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें डेवलप करने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बेहतर काम कर रही है। हर वर्ष से कुछ ना कुछ लाभांश सरकार को सौंप देखिए, इस वर्ष भी उन्होंने 68.58 करोड़ का लाभांश सरकार को सौंपा है। और आप याद रखें, एसजेबीएन के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है नंदलाल शर्मा। कुछ समय पहले समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, जो एसजेबीएन थी इसका विघटन कर लिया जा रहा था एनटीपीसी में। ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार ने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया। अब फिलहाल ये टलता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना समय आप फालतू में से वेस्ट ना करें। आप अति उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, जिसमें आपके समक्ष आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है जनवरी से लेकर सितंबर 2019 के डे टू डे के करंट अफेयर्स है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। उसके साथ में जिस्ट ऑफ टॉप क्लास इंडियन मैगजीन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ elastedico.in पर। दो PDF में ये अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। अब बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की। सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केबीसी में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि जापान के 106वें सम्राट कौन बनेंगे? तो यू हैव फोर ऑप्शंस, और इसका सही उत्तर है नारुहितो। इसको याद रखें, यह मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी के अक्सर सुर्खियों में भी रहती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य द्वारा 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला लिया गया है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए यदि आपको बताएं तो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे इन ऑप्शंस में, क्योंकि ये बहुत ही कड़ा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आपने उस राज्य की पहचान करनी है, उस राज्य का नाम है असम। विश्व की सबसे
विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे और 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में पहुंची। देखो आपको बताना है, विश्व की सबसे बड़ी एक उड़ान अभी उड़ी है, जिसने उड़ान भरी है न्यूयॉर्क से, तो उसकी लैंडिंग की गई थी सिडनी में, इसको भी आपने याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिल्ली महोत्सव आयोजित किया जाता है? यू हैव फोर ऑप्शंस, कर्नाटक, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु। राइट आंसर इज मणिपुर है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं एंटी की परीक्षा की बात करूं, उसके लिए तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा प्रश्न वहां पे जरूर एक पूछा जाता है। एचएस के लिए परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिल्ली महोत्सव का आयोजन किया जाता है? राइट आंसर इज मणिपुर। इंडिया एनर्जी फोरम ने किस शहर में न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया? हैदराबाद, जयपुर, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ठीक है। और इसका आपने थीम भी याद रखना है, इसका विषय था न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अर्थव्यवस्था सुरक्षित और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी की दिशा में नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है 6.1। स्टूडेंट्स याद रखें, इस बार बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही है हमारी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि दर थी, इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो न्यूज़पेपरों में आर्टिकल्स भी छपते हैं उसके ऊपर भी आप लोग पढ़ ले, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आजकल हमें आर्टिकल्स में भी देखने को मिल रही है, विशेष तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से डॉक्टर YS परमार नवोदय योजना लॉन्च की है, ठीक है। तो ये राज्य, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, आप इसको अच्छे से याद रखें। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। भारत ने रांची में खेले गए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और कितने रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की है, ठीक है। तो स्टैंड इसका सही उत्तर हो जाता है 202 रन और एक पारी से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? यू हैव फोर ऑप्शंस, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स देरी ना करें, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से शुरू करें। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से इसलिए शुरू करें ताकि आपको परीक्षा के स्तर का पता चल सके, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अलाइड की सर्विसेज का भी अभी रिसेंटली मैंने अपडेट पता किया है, तो मुझे लग रहा है नवंबर में भी परीक्षा नहीं हो पाएगी जिस तरह की जानकारी मुझे अभी तक मिल पाई है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, अपनी आप कोर्स में मिल गया है, ठीक है। अलाइड परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए, उनका भी आप लोग लाभ उठाएं और पिछले 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण, HP गवर्नमेंट का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने सारा पढ़ना है। ये अध्ययन सामग्री विभिन्न तरह के परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका लाभ उठाने के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट elastudyco.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।